नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो चुप और मौन धारण कर लेते हैं। क्या उनके गले में सत्ता की पत्रकारों की उस पे पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है तो आप भी हंस रहे हैं। तो भैया हम आपसे यही तो कह रहे हैं, आप हमसे कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं इस बात के लिए कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप हमारी छोड़िए, आप अपनी भी थोड़ी सी फिक्र करिए। हमारी तो हो ही रही सर, हमारे दो आदमी उठ गए क्योंकि हम लोग तो इनको मानने वाले, हम तो सर पे कफन बांध के चलते हैं, समझिए आप बात को। हम दी आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह को मानते हैं। अगर हम आपको ना दिखाएंगे तो फिर आपको कौन दिखेगा सर? आप मेरी बात यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बड़े चैनल वाले दिखाई नहीं सकते क्योंकि बड़े चैनल वाले तो दिखाई नहीं सकते। अगर वो दिखाते तो जब हमने पहले नेशनल चैनल क्यों छोड़ा, नेशनल चैनल वालों ने क्यों बुलाना हमें बंद करा, वो इसी कारण से करा क्योंकि भैया ये तो 5-5 हजार रुपए में दंगाई बुलाते हैं। वो एक मौलाना बिठालते हैं, एक पंडित बिठालते हैं, वो दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन वो काम देश की मीडिया का नहीं है। आप लोग अगर देश के चौथे स्तंभ के तौर पर अगर कार्य करते हैं तो आप लोगों को उठाकर बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग यूनिटी में रहिए क्योंकि यूनिटी में ही ताकत है। और आप लोग समझ रहे थे ना, ये देश की सरकार बारी बारी से हर किसी को परेशान कर रही है, चाहे पहले इस देश के छात्र हो, चाहे फिर वो इस देश के बाद आपने देखा मुस्लिम्स हो, चाहे फिर वो आपने देखा देश के किसान हो, तो बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। तो पूरे देश को एक होना होगा इस जैसी सरकार के खिलाफ, वो सरकार जो देश के अंदर देश की सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही। जब देश के अंदर रेल बिक गई तो रेल मंत्री की क्या जरूरत, आप बताइए ना। ये बजट के बारे में क्या कहेंगे आप? बजट सत्र चल रहा है संसद में, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अरे भैया बजट का आप क्या करेंगे, कुछ है देश के अंदर है? आपने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बिक गया, बजट किसका आया है? अंधभक्तों की किडनियों का बजट आया है क्या जो आप कह रहे हैं बजट आया है? जब सारी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया तो बजट का क्या करेंगे? नहीं अभी तो कोरोना के चक्कर में लोग ये इन्होंने पिछला सत्र तो इन्होंने कैंसिल कर दिया था, अब बजट सत्र लाने के लिए इन्होंने ये सत्र बुलाया है। तो और इसमें जो सत्र ये संसद वो जो बजट पेश हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि हम लोग जो है अच्छे अच्छे बजट पास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पिछली बार भी आपने इतना अच्छा बजट पेश करा कि वित्त मंत्री से पूछ लिया एक ने कि लहसुन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कहने लग गई कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अगर उससे आपने पूछ लिया ना कि किसान को लेकर क्या करा, तो इनका ये भी बस चल जाएगा इनके मंत्रियों का नेताओं का कि हम तो अनाज खाते ही नहीं है। जब ये गोबर में गधे के गरम मसाले के अंदर गधे की लीद मिला मिलाकर खाएंगे तो इनके दिमाग में वही भरेगा और क्या भरेगा, इनको बजट की जरूरत ही नहीं है। आज आप वो देखिए, आज वो लोग जो देश के किसान से छाछ मांगकर घर के अंदर कड़ी बनाते थे वो भी कह रहे हैं कि आज देश का किसान गलत है। आप ये देखिए देश के किसान को किस तरीके से डिमोलाइज किया जा रहा है। आप देश के किसान को हटाने के लिए चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, अथक प्रयास कर लीजिए, चाहे आप चौथे स्तंभ को उठाकर बंद कर दीजिए, चाहे आप देश के अंदर देश के किसान को परेशान कर लीजिए, चाहे आप बैरिकेड लगा लीजिए, चाहे आप कोबरा वायरस लगा लीजिए, चाहे आप जेल के अंदर आंदोलनकारियों को भर दीजिए। भाई ये अभी जल व्यापी आंदोलन है, देश व्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये दो दिन से पीएम बीच में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर ही मीटिंग कर रहे हैं। जब अब पीएम बोल रहे हैं कि 1.5 साल होल्ड पर रख देंगे, उस ऑफर को स्वीकार कर लीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे फिर? एक बात आप मुझे बताइए ना, 1.5 साल होल्ड पे रख के क्या आप एहसान कर रहे हैं? सरकार के गुलाम हैं हम 1.5 साल। आप सुनिए, आप तो नहीं सोचती भले दिमाग से, लेकिन देश का किसान और हम दिमाग से सोचते हैं। 1.5 साल के अंदर सरकार अपने चुनाव को निपटाएगी, अपना बंगाल चुनाव निपटाएगी, यूपी चुनाव निपटाएगी और दिल्ली इलेक्शन निपटाएगी। हम सरकार के गुलाम हैं कि मतलब 100 से ज्यादा शहादतें किसानों की अब दी हैं, फिर 1.5 साल बाद फिर आकर बैठे और फिर शहादत दें, है ना? आज अरे सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर आप कहेंगे ना, आज कल प्रधानमंत्री अपने मन की बात में क्या कहते हैं पूरे देश ने सुना कि तिरंगे के अपमान से मैं भी शर्मिंदा हूँ। आप एक बात बताइए, आप उस दिन तो अपमानित नहीं होते कि जिस रोड पर देश का किसान बैठा है, इसी रोड पर बहन बेटियों ने बच्चों को जन्म दिया, उस दिन ये देश शर्मिंदा होता है जब 100 से ज्यादा किसानों की हत्या इस देश के अंदर होती है। ये देश उस दिन शर्मिंदा होता है जब किसानों की शहादत पर देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। और आप
उन्हें सिखा रहे हैं तिरंगे का सम्मान, जिनके बेटे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं। और आपको भले ही शर्म ना आती हो, लेकिन हमारे लिए डूब मर जाने वाली बात है कि हमारे होते हुए हमारे ये बुजुर्ग लोग किसान आंदोलन में आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए डूब मर जाने की बात है। और हम लोग नहीं डरते कि सरकार की जेल से, हम तो कहते हैं कि सरकार लगाए हमें फांसी, हम फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हैं। इस देश के नौजवान देश के किसान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने देश के किसान का अनाज खाया है। और अगर देश का किसान अपने इस अनाज का फर्ज अदा करने की बात कहेगा, कर्जा मांगेगा, तो हम चुकाने के लिए सबसे पहले हम लोगों का सीना आगे आएगा। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। 70 दिन से यही चीज आप सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नहीं समझ रही है। संशोधन की बात बार बार आती है, तो कब समझेगी, फिर कब बिल वापस? अरे भैया समझेंगे कहाँ से, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, समझेंगे कहाँ से, जब ये गरम मसाले में गधे की लीद मिला मिला कर खाएंगे तो कहाँ से समझेंगे? आप ये समझिए ना, आपको पता है नहीं, आंदोलन क्यों कर रहे हो जब नहीं समझेंगे तो? समझ तो अंग्रेज भी नहीं रहे थे, समझाया ना उन्होंने तो भैया। अरे सुनिए, ये ऐसे लोग हैं कि हमारे में कहा जाता है अगर ठेठ देहाती में शुद्ध हिंदी में कि भैया चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। एक बार को वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर कुत्ते की पूंछ को सीधा कर लेंगे, लेकिन ये भाजपा वाले सीधे होने का नाम नहीं लेंगे, आप ये समझिए। और वो दिन दूर नहीं कि पब्लिक अपनी जेब के अंदर जूता धरकर घूमेगी, क्योंकि ये देश को बेचे जा रहे हैं। और देश के अंदर बोलो बोलो तुम बोलो तुम बोलते रहो। वो दिन दूर नहीं कि जब देश की जनता जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता जेब के अंदर जूता लेकर घूमेगी और जैसे ही भाजपा वाले दिखेंगे वही जूते से इनको पेला जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर कोई सरकारी संपत्ति नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने देश की हर एक सरकारी संपत्ति को नीलाम कर दिया और ये नहीं पता बजट किस बात का आ रहा है। अच्छा, आप बताइए ना बजट में क्या है। अच्छा एक बात, अभी परसों यहाँ पर जिस दिन वो हुआ था तो कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर यहीं पर गाजीपुर में ही नीचे आगे कहा था दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग की मानसिकता को आप किस तरीके से वो देखते हैं? देखिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं जो राह से भटके हुए मानसिक तौर पर। उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई ये हमारे देश का किसान है और हमारे देश की सरकार, आप वो दिन भूल गए जब आपने देखा कि अमेरिका से हमारे पास पीएल गेहूं आता था, वो सड़ा हुआ पीएल गेहूं जिसे खाकर हमारे देश के लोग बीमार होते थे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि दोबारा अमेरिका से वो सड़ा हुआ पीएल गेहूं आए, तो देश के किसान को शोषित कीजिए, इसे परेशान कीजिए, वरना देश के किसान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। मीडिया को संबित पात्रा तो देशभक्त है ना, 24 घंटे हराम का खाता है बैठ के, ओएमजीसी में मोदी मोदी चिल्लाता है, हर एक मुद्दे पर बैठे हुए नजर आता है। उस संबित पात्रा से आप पूछो, तू डॉक्टर है, तू कितने दिन इलाज करने जाता है, कोरोना का तूने कितने लोगों का इलाज करा, हराम का बैठ के 24 घंटे खाता है ओएमजीसी में। आपको बनाया ओएमजीसी में, आपके घर से है कोई ओएमजीसी में डायरेक्टर है, या आपके घर से कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर हो? ये वो लोग हैं देश के नेताओं का एक का भी बच्चा, एक का भी बेटा सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं है, सारे के सारे इनके बच्चे वहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं। देश की गरीब जनता का बच्चा यहाँ सड़क पे मर रहा है, देश का किसान यहाँ सड़क पे मर रहा है, लेकिन इन हरामखोरों को समझ में नहीं आ रहा जो देश के किसान को लेकर अब तक समझ नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ किसानों की तरफ से अगर हिंसा हुई है तो एक बात मुझे बताइए, आपकी फोटो है कभी सनी देओल हेमा मालिनी के साथ में है? अरे आपके चेहरे में क्या कमी है जो आपके साथ हेमा मालिनी फोटो नहीं खिंचवाई, क्या सनी देओल नहीं खिंचवाया, ये बताओ ना मुझे। दीप सिंधु जो देश के अंदर आगजाई करने आता है, आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आपकी फोटो है मिस्सा के साथ में, आपकी फोटो है सनी देओल के साथ में? एक आम आदमी काउंसलर से नहीं मिल पाता और वो दीप सिंधु जो सनी देओल के साथ फोटो है अमित शाह के साथ में है कैसे आ गई है? आज आप उससे पर्दा हटा रहे हैं आप कि वो हमारे साथी नहीं है। ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने देश के किसान को डिमोलाइज करने का प्रयास किया, उसे बदनाम करने का प्रयास किया। और जिस तरीके से अब जगह जगह पंचायतें बैठ रही हैं किसानों को लेकर,
तो अब देश का किसान यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है और अब ये जनव्यापी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। मगर मीडिया को तो आने ही नहीं दे रहा है यहाँ पे ये लोग, मीडिया के लिए तो इन्होंने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी, कहीं तार लगा रखे हैं, कहीं पे दो तीन आदमियों को पकड़ लाए। भैया यही तो डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी। आप ही तो कहते थे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम तो आज भी कह रहे डेमोक्रेटिक कंट्री, आज भी कह रहे हैं हमारा देश बहुत अच्छा है। देश के कुछ लोग खराब हैं, देश के अंदर चंद लोग खराब हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज जो लोगों से उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, राइट टू स्पीच का अधिकार छीना जा रहा है, ये हरगिज नहीं होगा। और आपको और हमें देश के किसान के लिए आवाज उठानी होगी। जय हिंद जय भारत। ये हमारे साथ मैं गाजीपुर में आपको अपने चैनल के माध्यम से और लोगों से मिलवा रहा हूँ, तो मैं चैनल 2 के माध्यम से आपसे एक बार फिर शालीनता में आ जाऊँ।